वेलकम बैक फेलो फूड गीक्स, आपका स्वागत है। तो स्कूल तो हो गए हैं शुरू, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना किसी ने, घर में ही बच्चों ने पढ़ना भी है और आपने हर चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो हमें जल्दी जल्दी बनाने वाले लंचेस के आइडियाज़ चाहिए ताकि हम जल्दी से बनाएं, दूसरे काम भी करें, बच्चों को भी देखें और एज़ यूजुअल सुपर विमन हो, जैसे तो हम सब हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामान चाहिए, सबसे पहले नींबू का रस चाहिए, 1.5 नींबू का रस है ये। आप लेमन का भी ले सकते हैं, मोटे बड़े जो पीले वाले होते हैं उन नींबू का भी ले सकते हैं। 2 चम्मच चने की दाल है ये, और साथ में हमने लिया है यहाँ पे 2 लाल मिर्च सूखी, जिनको मैंने बीच में से तोड़ दिया है, तो वो 4 लग रही हैं। और साथ में कुछ मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई, 2-3 बड़े चम्मच के आसपास। 8 से 10 काजू हैं, भुने हुए काजू मैंने लिए हैं, अगर आप कच्चे लें तो भून लें। और 1 चम्मच सरसों ली है, छोटा चम्मच। 1 हरी मिर्च है जिसके सीड्स निकाल लिए, दाने और चॉप कर लिया है। और कड़ी पत्ता कुछ, उड़द की दाल 1 चम्मच, छोटा चम्मच ये भी, और अदरक जो है 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें से आधी ही लूँगी, ये सारी नहीं लूँगी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और आधी मैं किसी और रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। और साथ में हमें चाहिए चावल, तो मैंने आधा कप चावल उबाल लिए थे, मेजरिंग कप आधा, और वो उबलने के बाद 2 कप बन गए हैं। तो 2 कप चावल, आपके घर में बचे हुए रात के चावल, अगले पिछले दिन के चावल, सुबह के चावल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट ठंडा चावल हो तो और भी अच्छा है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, मैंने प्लेन ऑयल डाला है, आपका वेजिटेबल ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डालना चाहें, मस्टर्ड ऑयल, जो ऑयल आपके घर में पसंद किया जाता है। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे सरसों। सरसों जैसे ही तड़कने लगेगी, साथ ही में हम इसके साथ डाल देंगे जो दालें हमारे पास दोनों हैं, उड़द की दाल और चने की दाल, और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। ये चावल में ना थोड़ा सा क्रंच देते हैं, क्रंची अच्छे लगते हैं, तो इनको थोड़ा भूनेंगे। साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा हुआ है, आप ताज़ा अगर आपके पास हो तो वो यूज़ करिए, और भी अच्छा है। अगर आप कैसे सुखाते हैं उसकी रेसिपी जानना चाहें तो बताइए। ये मैंने हरी मिर्च डाल दी और ये अदरक। हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं है मेरी, काफ़ी फीकी सी ही है, और मेरे बच्चे को मिर्च पसंद है इसलिए मैं मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद तो आप ना डालें, वो आपकी चॉइस है। इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें 1/4 चम्मच के आसपास हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी। थोड़ा ही चावल है तो उस हिसाब से हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए। और ये हम चावल बीच में डाल देंगे। ये लेफ्ट ओवर चावलों को इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आप और ऐसी रेसिपी सीखना चाहें बचे हुए चावलों को इस्तेमाल करने के लिए तो बताइएगा। अब यहाँ हमने काजू, मूंगफली, नींबू का रस और नमक ये सब डाल दिया है, और अब हम इसको हिला लेंगे। हिलाइएगा ऐसे साइड से कि चावल टूटे नहीं, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ले आके, नहीं तो चावल टूट जाएगा। आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती, सेला, सोना मसूरी, जो भी आपकी पसंद का हो। तो लीजिए ये बन गई। अब बच्चों को एकदम से भूख लगे, कुछ देना है, या आप भी बच्चों की जूम कॉल्स में बच्चों के साथ हैं, या उनको काम करा रहे हैं, साथ में खाना भी बनाना है, तो ये एक ईजी रेसिपी है उनकी भूख शांत करने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि हमारा काम जितना आसान हो सके उतना अच्छा है, और घर का खाएं तो उससे अच्छा क्या। अब इसमें आप चाहें तो थोड़े से हरे प्याज, थोड़े बीन्स, गाजर, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये प्लेट। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि ये इतनी खट्टी है, इतनी टैंगी सी रेसिपी है कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि नींबू इसमें डला हुआ है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन दबाइए, क्योंकि अभी मेरे पिटारे में और बहुत कुछ है। बाय।